सरकार सेवा के लिए दिया बयान हो। जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। या हो बदमाशों को छाती पर गोली मारने वाली बात। किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, वो गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोक की यात्रा को भी भेज दिया गया। दंगाइयों की 7 पीढ़ियों को दी चुनौती हो। अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लेकर के जाना है, तो भरपाई करती हो। या तालिबानी मानसिकता पर कड़े शब्द। वे लोग इस तालिबानी कुकृत्यों का समर्थन कर रहे हैं, इसको उत्तर प्रदेश की धरती में कतई स्वीकार नहीं करेंगे। विपक्ष का घेराव हो। क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप देखते रहिए बस। या बेबाकी से बात रखने पर छलके आंसू। एक किरदार जिसने सबसे कम उम्र में देश के सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया और अब दूसरी बार चुनाव जीतकर पूरे देश में भगवा रंग पहुंचा रहे हैं। ये मंदे मेगा स्टोरी है। वामपंथी बनते बनते योगी बन गए हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की। इस अफसाने की शुरुआत होती है 50 साल पहले, तारीख 5 जून 1972, जगह पौड़ी गढ़वाल का पंचूर गांव। फॉरेस्ट रेंजर आनंद सिंह बिष्ट और सावित्री देवी के घर 5वीं बार बच्चे की किलकारी गूंजी। नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट, जिसे दुनिया ने बाद में योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना। आदित्यनाथ कुल 7 भाई बहन में 5वें नंबर की संतान थे। हमारे आपके माता पिता की तरह उनके भी पिता की अपने बेटे को लेकर कुछ इच्छाएं थी। वो चाहते थे कि आदित्यनाथ ग्रेजुएशन करने के बाद उनके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में उनकी मदद करे, लेकिन उनके बेटे को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। 10वीं के बाद भरत मंदिर इंटर कॉलेज में दाखिला लिया, फिर गढ़वाल में हेमवती नंदन बहुगुड़ा यूनिवर्सिटी से BSc इन मैथमेटिक्स किया। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोगों के संपर्क में आए। एक तरफ आदित्यनाथ की नए नए लोगों से मुलाकात हो रही थी और दूसरी तरफ उनके एक जीजा जयप्रकाश उनके लिए कुछ और ही सोच रहे थे। जयप्रकाश लेफ्ट छात्र संगठन SFI के एक्टिव सदस्य थे और वो चाहते थे कि आदित्यनाथ भी उनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लें। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट। इस ट्विस्ट का नाम था प्रमोद रावल। वो आदित्यनाथ के सीनियर होने के साथ ही ABVP कार्यकर्ता थे। रावत ने योगी आदित्यनाथ को ABVP से जुड़ने के लिए मना लिया। ये वही दौर था जब देश में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। देश भर में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा चल रही थी। इसी आंदोलन से योगी आदित्यनाथ भी जुड़े। जब कोई राह पसंद आ जाए तो उस तरफ कदम खुद ब खुद चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ उस समय के अजय बिष्ट और अब के आदित्यनाथ के साथ हुआ था। जब राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया तो घर में मन नहीं लगा। एक कार्यक्रम में पहुंचे तो मुलाकात हुई महंत अवैद्यनाथ से। पहली मुलाकात में ही गुरु अवैद्यनाथ से काफी प्रभावित हुए। प्रभाव का असर कुछ इस कदर पड़ा कि घर वालों को नौकरी का हवाला देकर एक दिन अजय महंत के पास गोरखपुर आश्रम पहुंच गए। पूरे 1 साल तक उनके घर वालों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कई बार पिता को पत्र लिखा, लेकिन एक बार भी ये पत्र घर नहीं भेजा। और देखते ही देखते वो दिन भी आया जब अजय का नाम बदलकर योगी हुआ। ये फोटो 15 फरवरी 1994 की है। बीच में भगवा रंग धारण किए योगी हैं, जिन्हें दीक्षा मिली, और उनके पीछे ये हैं महंत अवैद्यनाथ जिन्होंने दीक्षा दी। ये वो समय था जब अजय का नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ किया गया। जगह थी गोरखपुर, जहां से योगी आदित्यनाथ का आज भी गहरा रिश्ता है। महंत अवैद्यनाथ पर योगी का गहरा प्रभाव था, इतना कि उन्होंने आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया।
क्यों, अब ये भी जान लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने 1992 में राम मंदिर आंदोलन में भाग लेकर हिंदू नेता के रूप में पहचान बना ली थी। उनकी लोकप्रियता और क्षमता दोनों दुरुस्त थी, जिसके चलते 1998 में महंत अवैद्यनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें मठ के उत्तराधिकारी के साथ साथ राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बनाया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और उस किस्से की चर्चा करते हैं जिसने योगी को हीरो बना दिया। महाराजगंज के पंचरूखिया में योगी के काफिले से गोली चली, जिसमें सपा नेता तलत अजीज के सरकारी गनर सत्य प्रकाश यादव की मौत हो गई। कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने मामला CBCID को सौंपा। जांच के बाद योगी को क्लीन चिट दे दी गई। 2002 में मोहन मुंडेरा कांड हुआ, जिसमें एक लड़की के कथित रेप के बाद गांव में 47 अल्पसंख्यकों के घर में आग लगा दी गई। आरोप आदित्यनाथ पर लगे। हिंदू युवा वाहिनी की सभा में एक विकेट के बदले 10 विकेट गिराने और हिंदुओं से घरों पर केसरिया झंडा लगाने की बात कही गई तो योगी की आलोचना हुई। एक के बाद एक ऐसी कई घटनाओं ने योगी को गोरखपुर का हीरो बना दिया। समर्थक नारे लगाने लगे, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। योगी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, इसे और बढ़ाया हिंदू युवा वाहिनी ने। दरअसल अपनी सामाजिक और राजनीतिक हैसियत को बढ़ाने के लिए ही योगी ने अप्रैल 2002 में इस संगठन की शुरुआत की थी। गोरखपुर से शुरू हुआ ये संगठन धीरे धीरे पूर्वांचल के सभी जिलों में फैलने लगा। बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ने लगे। योगी आदित्यनाथ ने इसे बनाने की मुख्य वजह बताई हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण करना। हिंदू युवा वाहिनी की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर 2017 में संगठन ने 64 सीटों से कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया। दरअसल बीजेपी और संघ को हिंदू युवा वाहिनी की बढ़ती ताकत का अंदाजा था, इसीलिए योगी को आगे कर पार्टी ने महाराष्ट्र में शिवसेना की ताकत होने वाली बगावत की संभावना पर रोक लगा दी। आज योगी कई चुनाव जीत चुके हैं, उनके रिकॉर्ड हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो अपना पहला ही चुनाव हार गए थे। अपने कॉलेज के समय से ही योगी आदित्यनाथ छात्र राजनीति में सक्रिय थे। ABVP से जुड़ने के बाद भी उन्हें यूनिवर्सिटी चुनाव में टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से निर्दलीय पर्चा दाखिल किया, लेकिन अपनी जिंदगी के पहले ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर आया 1998, जब महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से पहला संसदीय चुनाव लड़े और 26,000 वोटों से जीत हासिल की। 1999 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में उनकी जीत हुई। फिर अपनी जीत को बरकरार रखते हुए योगी आदित्यनाथ लगातार पांचवी बार 2014 में गोरखपुर से सांसद बने। 2017 के UP चुनाव के बाद कई बड़े चेहरों की मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी, लेकिन बाजी योगी आदित्यनाथ जीते और यूपी को नया मुख्यमंत्री मिला। आज योगी यूपी विधानसभा के इतिहास में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले पहले उम्मीदवार हैं। यूपी में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। साथ ही 2007 में मुलायम सिंह के बाद बतौर सीएम चुनाव लड़ने वाले भी पहले उम्मीदवार हैं। 34 साल से चल रहे नोएडा फैक्टर को तोड़कर जीत हासिल करने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। योगी लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने वाले पांचवें सीएम हैं। इसके पहले 1957 में संपूर्णानंद, 1962 में चंद्रभानु गुप्ता, 1974 में हेमवती नंदन बहुगुणा और 1985 में ND तिवारी भी ऐसा कर चुके हैं। ये तो बात हुई रिकॉर्ड की, अब आते हैं योगी की संपत्ति पर, जो पिछले 5 साल में 59 लाख रुपए बड़ी है। फरवरी 2022 में आदित्यनाथ के पास घोषित संपत्ति 1,54,00,000 रुपए की है। इसमें कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस और फिक्स डिपॉजिट शामिल है। इसके अलावा आदित्यनाथ के पास 1,00,000 रुपए का रिवॉल्वर और 80,000 की राइफल है, 75,000 की इयरिंग और सोने की चेन है। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने अपने पास 95,98,000 की संपत्ति होने की घोषणा की थी। साफ है कि 5 साल में 59 लाख रुपए की उनकी संपत्ति बड़ी है। 2014 के लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास 3 लग्जरी गाड़ियां थी और अब एक भी नहीं है। उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।
अब तक आप योगी के जीवन से जुड़ी तमाम बातें जान चुके हैं। अब अंत में खास आपके लिए योगी के जीवन से जुड़ी दो सबसे बड़ी घटनाएं स्केच फिल्म के रूप में। मार्च 1994, गोरखपुर का गोलघर बाजार। कपड़े की दुकान पर कुछ स्टूडेंट्स मोल भाव कर रहे थे। पैसे पर बात नहीं बनी तो झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ता देख दुकानदार ने तमंचा निकालकर दो राउंड फायर कर दिए। लड़के भाग खड़े हुए, लेकिन बाद में युवा सन्यासी के साथ 50 से ज्यादा लड़कों ने गोरखपुर SSP आवास के साथ पूरे जिले में प्रदर्शन किया। योगी आदित्यनाथ SP आवास की दीवार पर चढ़ गए थे। इस घटना ने योगी को एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित किया। नतीजा 26 साल के योगी सबसे युवा सांसद बने। पहला चुनाव 26,000 वोटों से जीते। कहानी आगे बढ़ी और फिर आया साल 2016। इस कहानी के चार किरदार थे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, गाजीपुर के सांसद मनोज सिन्हा, तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ। 2017 में एक सर्वे हुआ जिसमें जनता ने भावी CM पद के लिए वोट दिया। इसमें योगी आदित्यनाथ को 48% वोट, केशव प्रसाद मौर्य को 36% वोट, राजनाथ सिंह को 11%, मनोज सिन्हा को 4% वोट मिले थे। लेकिन मार्च 2017 में भाजपा का मैनिफेस्टो आया जिसके फ्रंट पेज पर राजनाथ सिंह और केशव मौर्य की फोटो तो थी लेकिन योगी की नहीं थी। मतलब साफ था, दूर दूर तक पार्टी योगी के नाम का जिक्र मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं कर रही थी। फिर रातों रात क्या हुआ, खुद योगी आदित्यनाथ की जुबानी सुनिए। मुझे विदेश मंत्रालय की एक टीम के साथ बाहर जाना था और हमारी माननीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का मेरे पास 5-6 मार्च को फोन आता है कि आपको एक डेलीगेशन के साथ जाना है, वहाँ आपकी बड़ी डिमांड है। 11 मार्च को रिजल्ट आना था लेकिन 10 मार्च को मुझे सूचना मिली कि PMO ने मेरा पासपोर्ट वापस कर दिया है। तो हमारा पार्लियामेंट चली रही थी तो मैंने अपना गोरखपुर की बुकिंग कराई, अपना प्लेन से मैं गोरखपुर चला गया। उस समय यूपी CM पद के दो उम्मीदवार थे और दोनों का लखनऊ एयरपोर्ट पर अलग तरह से स्वागत हुआ था। 18 मार्च शाम 5:30 बजे फैसला आना था। विधायक दल की बैठक के लिए 325 विधायक समेत सभी बड़े नेता लोक भवन में थे। योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है और सब चौकन्ने होकर देखने लगते हैं। आखिरकार 19 मार्च 2017 को मंच पर मोदी, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा समेत अन्य मंत्रियों के सामने योगी आदित्यनाथ CM पद की शपथ लेते हैं। माफियाओं की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवाकर योगी बुलडोजर बाबा बने और अब 2022 में अपने बल पर चुनाव लड़ा, सीट जीती और एक बार फिर हुई वापसी बुलडोजर बाबा की। तो ये थी देश की सबसे बड़ी आबादी और सबसे ज्यादा यानी 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 255 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल करने वाले CM योगी की मंदेमी का स्टोरी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप, क्योंकि सच करीब से दिखता है।